हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जानकारी पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से। तो जानेंगे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नई वैकेंसी आई है 12th पास स्टूडेंट के लिए। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं इसके होम पेज पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये नोटिफिकेशन है। ये देखिए, आप नीचे जाके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट की। तो आप 28 तारीख से इसके ऑनलाइन 26 तारीख से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ है, और आप 1 सितंबर तक 5 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इसका एडमिट कार्ड 17 तारीख से लेके 23 सितंबर के बीच में आने वाला है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 22 साल एज लिमिट, मतलब 1/2/1998 से लेके 31/1/2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 12th पास स्टैंडर्ड विथ फिजिक्स एंड मैथ, मतलब आपको इंटर पास होना चाहिए और फिजिक्स एंड मैथ आपके सब्जेक्ट मेन होने चाहिए। अगर हाइट की बात की जाए तो 1.57 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट, और रनिंग भी इसमें होगी 1.6 km, जो आपको 7 मिनट में पूरा ही करना है, और पुशअप 10 एंड स्क्वाट अप 20 टाइम आपको लगाना है। अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो एग्ज़ाम सेंटर यूपी में वाराणसी, नोएडा, ये देखिए कोलकाता, भोपाल, जोधपुर, यूपी में 2 सेंटर इस बार बनाए गए हैं, वाराणसी एंड नोएडा। तो आप वाराणसी एंड नोएडा को चूज़ कर सकते हैं जब आप इसका फॉर्म भरें। तो इसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं, तो सबसे पहले करेंगे अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं। ये देखिए 1 सितंबर 5 बजे तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और आपके एडमिट कार्ड 17 सितंबर से लेके 23 सितंबर के बीच में आने वाले हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, और उसके बाद में आपको यहाँ पर नाविक के ऊपर क्लिक कर देना है, नाविक जनरल एंट्री, और आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक। ये मांगेगा आपको कन्फर्मेशन, हैव यू सिलेक्टेड करेक्ट पोस्ट फॉर अप्लाइंग, तो कर देना हमें ओके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारे सामने एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन फॉर्म खुल के आ गया है। आपको यहाँ क्या क्या भरना है इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और मैरिटल स्टेटस, उसके बाद में ये सब आपको ऑप्शन भर के थोड़ा नीचे आना है। फिर आपको ये चॉइस, आप सेंटर का चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेंटर लेना है, आपको वाराणसी लेना है, नोएडा लेना है, कोलकाता लेना है, या भोपाल लेना है। उसके बाद में या अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है, अगर आप बीए या पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं तो आप यहाँ अपना ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, बोर्ड टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स और परसेंटेज तो अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पर आपको फिजिक्स एंड मैथ 12th स्टैंडर्ड में आपके कितने आए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैक्सिमम 40 KB की फ़ोटो और मैक्सिमम 30 KB के सिग्नेचर यहाँ आपको अपलोड करने हैं, और उसके बाद आपको यहाँ लास्ट प्लेस डाल देना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म ये ऑनलाइन हो जाएगा, और जैसे ही एडमिट कार्ड आए तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और पेपर आपका पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड आएगा तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक नया वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और फॉर्म भरने में जो भी आपको दिक्कत हो रही है, ये फॉर्म मोबाइल में ही भर जाता है, और आपको अगर आप मोबाइल में भरना चाहते हैं तो मोबाइल में ही ये 100% भर जाएगा, और आपको जो भी दिक्कत आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।